हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल निशाज कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आ गई हूँ बिल्कुल मार्केट जैसे मक्खन की रेसिपी। जी हाँ, आज के बाद आप मार्केट का मक्खन बिल्कुल भूल जाने वाले हैं, क्योंकि आज की रेसिपी ये बहुत ही आसान और बिल्कुल घर का मक्खन होगा और मार्केट जैसा टेस्ट होगा। तो मेरे पास 4 से 5 दिन पुरानी दूध की मलाई मैंने स्टोर की थी, जार में डाल ली है मिक्सर में, उसमें डाल दिया है 1 कप पानी और उसे अच्छे से फेंट लेना है मशीन की मदद से। देखिए, आप देख सकते हैं जो हमारा मक्खन है वो अलग हो चुका है। इसे हमें एक अलग बर्तन में डाल लेना है और बची हुई मलाई को भी कुछ इस तरीके से फेंट कर इसके साथ ही डाल लेना है। और उसके बाद हमारी मलाई को हमें बॉल्स की शेप दे देना है और उस पर डाल देना है लगभग 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर। आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं कलर। और उसके बाद मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा येलो पसंद है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद हमें इसे अच्छे तरीके से फेंटना है, और फेंटेंगे जैसे जैसे उसका जो एक्सेस पानी होगा हमारा निकलता रहेगा। मैंने इसे एक बड़े बर्तन में डाल लिया ताकि इसे फेंटना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, और इसे अच्छे से फेंटना है ताकि जो हमारा पानी है बिल्कुल अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल थोड़ा सा भी हमारे मक्खन में ना रहे। आप देख सकते हैं कि हमारे जो मक्खन की कंसिस्टेंसी है जो देखने में कितनी मज़ेदार लग रही हो, बिल्कुल मार्केट जैसा मक्खन लग रहा है। अब इस मक्खन को हमें डाल लेना है किसी बर्तन में, किसी मोल्ड में। मैंने यहाँ पर एक ऐसा मेरे पास बर्तन था डिब्बा, मुझे लगा इसमें मेरा जो मक्खन है आराम से अच्छे से सेट हो जाएगा, जिसे मैं डाल लेती हूँ। जितना भी मैंने मक्खन बनाया उसे अच्छे से डालकर स्पैचुला की मदद से अच्छे से चिकना कर लेती हूँ उसे, कुछ इस तरीके से। आपको भी कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद लगभग 1 घंटा उसे फ्रीज कर लेना है और आपका जो मक्खन है बढ़िया सा बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट रहेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अगर मेरे दोस्तों की ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट आप सभी को मिल सके। थैंक यू।